भाई जो लोग भी मेरे चैनल पे काफी टाइम से, उनको पता है कि जो भूतों और मेरी ना जरा थोड़ी सी बनती नहीं है। तो जब भी मुझे लगता है ना बहुत स्केरी सी कोई मूवी आने वाली है तो मैं उसको देखता ही नहीं हूँ। तो एक ट्रेलर आया था और ये ट्रेलर में मुझे दिखे रसल क्रो, और रसल क्रो तो मुझे ग्लैडिएटर ही समझ में आता है, और अचानक से मुझे वो दिखे वो भूत भगाने वाले बाबा, और इस मूवी का नाम है द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट। और ये किस तरीके से भूत भगाएंगे ये यहाँ पर देखने को मिलना था। तो क्या मेरे को मजा आया थिएटर के अंदर कि नहीं? देखो पहले तो जो स्केयर के लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, वो थिएटर वालों ने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया, कि टोटल मिला के सिर्फ 4-5 लोग थे। तो इतना अंधेरा और इतनी डार्क तरीके की ये मूवी थी कि आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा स्केयर क्रिएट सा लगने लग जाता, क्योंकि इसका जो साउंड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी तो है, बट क्या ये जेन्युइनली स्केरी है कि नहीं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जिसके अंदर एक जिद्दी सी एक आत्मा है। उस आत्मा का बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों घुस गई है, क्या ये सुपर नेचुरल है, क्या किसी का किया हुआ है, या फिर जैसे कि इस मूवी के अंदर भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कुछ 80% से 90% ऐसे केसेस होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, तो कहीं ना कहीं भूल भुलैया 1 के जोन के अंदर भी जाता है, भूत है कि नहीं है। तो आपको इस जद्दोजहद में रखा जाता है कि यार ये क्या रियल भी है कि नहीं है, फिर अचानक से बहुत कुछ सुपर नेचुरल होना भी शुरू हो जाता है जिसके अंदर जंप स्केयर्स भी आते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी आ गए होंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या इसकी भूत की जो स्टोरी है वो इतनी कंपेलिंग है। मैं बोलूँगा नहीं। क्या इसके जो स्केयर्स हैं वो कंपेलिंग है कि नहीं है, जंप स्केयर्स हैं अदरवाइज नहीं है। जितने भी जंप स्केयर अचानक से आते हैं, जंप स्केयर मतलब अचानक से झटके वाले, वो हैं, लेकिन लार्जली जो स्केयर्स हैं उसमें प्रोस्थेटिक्स और गंदी शक्ल, वही जना जो बेड से बांधा जाता है, पुरानी टेक्निक्स वो दिखाया गया। जो न्यूनेस है वो बेसिकली रसल क्रो के कैरेक्टर के अंदर है, जो कि पोप होने के बावजूद भी नॉट सो सीरियस टाइप का कैरेक्टर है। वो जैसे घोस्ट बस्टर वाला आदमी होता है ना, बट लेकिन पोप की यूनिफॉर्म के अंदर है। उसका भी आगे बॉस है जिसको वो रिपोर्ट करता है, और इन सबका काम है भूत भगाना। और इसका क्लेम टू फेम है कि इसने 10,000 ट्रीटमेंट करे हैं आज तक, और उसमें से काफ़ी सारे तो फेक थे और बहुत से कुछ रियल भी थे, और ये केस भी इसको रियल सही कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा मिल जाता है। 30 साल का लॉन्ग करियर है। तो क्या ये जो अब इसको भूत टकरा है उसको ये भगा पाएगा कि नहीं भगा पाएगा? भगाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है थोड़ी सी ऑफ ट्रैक जरूर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूवी चल पड़ती है इंडियाना जोन्स के जोन के अंदर, क्योंकि भूत का रीजन ऑफ बिकमिंग अब भूत को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर जर्नी के अंदर भी चली जाती है, जो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा अननेसेसरी हो गया, जो इसका जॉनर था उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया ये। क्या ये बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है बीच में कंजोरिंग की तरह? क्योंकि ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मैं सह पाऊंगा डर के? नहीं, ऐसा कोई डर इसके अंदर है नहीं। जैसे मैंने बोला VFX में थोड़ा बहुत भूत प्रोस्थेटिक इस तरीके का यूज़ किया गया। लार्जली कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द स्टोरी, नॉट टू स्केयर यू दैट मच। डायलॉग्स अच्छे हैं, और डायलॉग्स के अंदर एक अलग सी तरीके की विट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रसल क्लो का भी बीच में डायलॉग आता है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद मी देन स्पीक टू माई बॉस, तो उस तरीके के डायलॉग्स भी आ जाते हैं। पता नहीं हिंदी के अंदर आई है कि नहीं, मैंने इंग्लिश की टिकट बुक कराई थी, वो चेक कर लेना एक बारी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ मेंटल हेल्थ भी जस्ट ब्रीफली टच करे गए हैं इसके अंदर, और वो एक अच्छा टॉपिक है जो आज के ज़माने के हिसाब से सेंसिटिव है। क्या आपको इसको उसमें कुछ न्यूनेस दिखने वाली है? आई डोंट थिंक सो। तो देख लोगे तब भी ठीक है, नहीं देखोगे तब भी ठीक है। या दिस मूवी इज़ ओनली फॉर पीपल हु लाइक दी स्केरी मूवीज, और स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा प्रो नहीं है। अगर आप प्रो हो और बिल्कुल ही कंजोरिंग जोन में जाना चाहते हो तो इस मूवी से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि अगर मैं नहीं डरा हूँ तो आप तो बिल्कुल ही नहीं डरने वाले हो, क्योंकि मैं काफ़ी इस तरीके के जो रियल भूत होते हैं उनसे थोड़ा सा डर वर सा जाता हूँ। तो ये आपको डराएगी नहीं इतना ज़्यादा, बल्कि ये आपको सस्पेंस जरूर क्रिएट करेगी कि किसी के अंदर कुछ पोजेशन हो गई है तो वो क्यों हो गई, उसको बाहर कैसे निकाला जा सकता है, उस जोन के अंदर ज़्यादा जाते हैं। तो इट इज़ मोर थ्रिलिंग देन स्केयरिंग यू, ठीक है? तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 6 out of 10। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई हैवन्ट सीन बिफोर। इट एक्चुअली लुक्ड ऑल्सो वेरी वेरी फेमिलियर इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट। द ओनली डिफरेंशियल वॉज कि किस तरीके से वैटिकन को दिखाया जाता है, उसकी प्रोसीडिंग्स को दिखाया जाता है, और रसल क्रो के कैरेक्टर को किस तरीके से किया गया, और जो उसके डायलॉग हैं वो थोड़े से डिफरेंशिएटेड हैं। बाकी सब कुछ जो है वो अपने देखा देखा सा आपको लगेगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और भी इसके साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।